कुछ डर लग रहा, कहाँ चले होंगे, कुछ बताया भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। मैं झगड़ा हो गया, मानती हूँ इसके लिए शोक गया, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि घर छोड़ के चले जाए। अब कहाँ जाऊँ ढूंढने, भगवान राजा से बोलती हूँ राजा ले आएगा ढूंढ ढाल के। राजा कहीं चले गए, ढूंढ ला प्लीज अंकल, चले गए कहीं इतने रात में, अंकल कहाँ जा सकते हैं अंकल? मैं क्या बताऊँ अंकल, ऐसी है जो घर से कुछ भी कहते हैं चला जाते हैं छोड़कर। आपने बोला हुआ कुछ? मैं क्यों बोलूंगी भाई, पता क्या हुआ मुझसे रात को, कभी ये बना दे वो बना, तो मैं लड़ूंगी नहीं। अब इस समय कहाँ जाएंगे? जा तू स्कूटी लेके दे, स्कूटी भी वही लेके गए, तो कहीं भी देख मेरे को, ढूंढ लाओ ना या मुझे लेके चल। कहाँ चले गए रात को, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चलो कोई नहीं, मैं क्या करूंगी, कोई नहीं। कहाँ चले गए रात को, इतनी रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है। काश राजा को मिल जाए भगवान, प्लीज हेल्प करना भगवान, जल्दी से मिल जाए। मैं अपनी लड़ूंगी, कभी नहीं लड़ूंगी, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी, इतना दुख हो रहा है, अब कभी नहीं लड़ूंगी। बहुत गलती करती हूँ, मैं हमेशा गलती करती हूँ, बहुत गलतियाँ हो जाती है मुझसे भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब नहीं लड़ूंगी मैं अपने हस्बैंड से, कभी नहीं लड़ूंगी। प्लीज मेरे पति को एक बार जल्दी से ढूंढवा दो, राजा गया ढूंढने, जल्दी मिल जाए, मैं कभी नहीं लड़ूंगी। अरे क्या हो गया तू, है क्या हो गया, तूने लड़के लड़ाई जो करी ना तूने, इसलिए हो गया, क्या हो गया? ऐसे नहीं करते बात, छोटी छोटी बात पे आप चले जाओ, मैं भी चल जाऊंगी, एक दिन घर छोड़ गई थी। तूने तेरे वजह से तो घर से बाहर गया हूँ मैं, इतना दिमाग लगा रखा जो तूने कलेश कर रखा। मुझसे गलती कभी नहीं करूंगी मैं आपका दर्द, प्लीज। घर का तो हाल तो देख ले, क्या घर का हाल कर रखा है बेचारा, उस बच्चे को देख के ऐसे बेचारा कर रहा है, उसको भी रात में उठा दिया। माफ कर दो, अब नहीं करूंगी मैं। सही है, तेरे जैसे को छोड़ के जाना चाहिए बाबू, अब तो माफ कर दो ना प्लीज। और मांग ले पैसे, जो इतने पैसे देने के बाद भी कोई वो नहीं है। मांगूंगी, अब माफ कर दो प्लीज, खुश होके चलो राजा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, भगवान से खुश है। तो मैं परेशान रहती पूरी रात, अभी देखना 2 बज गए, मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। देखिए मुझे कोई वो नहीं है कि चलो 2 बज गए 3 बजे में खाना बनाऊंगी, लेकिन गलती भी तो हम दोनों की तरफ से ही, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी गलती थी, मेरे भाई की वजह से मेरे से गलती हो गई कि मैं अपने भाई के लिए स्टैंड लिया और उनसे लड़ाई करने लगी। पर मैं क्या करूँगा इस, मैं भी तो अकेली होकर परेशान हूँ ना, ये बताइए मैं कैसे करती। अब मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ, बस सबसे अच्छी शुक्रवाद भगवान का शुक्र है कि वो आ गए और चले जाते 2 महीने के लिए या हफ्ते के लिए, तो मेरा क्या होता, मैं इनके बिना नहीं जी सकती ना, इनके बिना मेरा जी लगता। चलो मैं आगे से कभी नहीं लड़ूंगी, बहुत हो गया गलती, अभी मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करूंगी ना, लड़ाई भी होगी ना तो भी उसको कंट्रोल करूंगी, मैं अपनी तरफ से सोचूंगी कि नहीं करूँ। अब बहुत टेंशन है मुझे, कोई नहीं रखता अपने घर, मम्मी पापा होते हैं तो चलो रख भी लेते हैं, भाई भाभी पे आजकल भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, और मेरा घर तो पति का ही घर है ना, यही तो मुझे रखेंगे पूरी ज़िंदगी, और कहाँ जाऊँगी मैं, बार बार सहेली के घर या अपने भाई के घर या मम्मी के घर थोड़े जाऊँगी, ऐसे मेरा गुजारा थोड़ा ना होगा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं कभी नहीं लड़ूंगी, बहुत दिल से दुखी हूँ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ, उनकी पसंद की मटर पनीर बना रही हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ पहुँचाऊँगी, मेरी वजह से होता है सब कुछ।